सरोज अपने बेटे अमन और बहू गीतिका का गृह प्रवेश करती है और अपनी बेटी सुरभि को बुलाकर बोलती है, अरे अब तो बहू भी आ गई है, अब तो ढंग से तैयार हो जा, थोड़ी देर में घर में मेहमान भी आने लग जाएंगे, अब तू ऐसे ही घूमती रहेगी। क्या पहन कर आऊँ मैं, कुछ है ही नहीं मेरे पास तो, और वैसे भी मेरा मन नहीं है तैयार होने का, घर में ही तो रहना है, तो ऐसे ही ठीक लग रही हूँ। हाँ पर टीचर बनी रहे, लोग भी क्या बोलेंगे कि हम कुछ देते नहीं है इसे पहनने के लिए, है ना? कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े ले लो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। अरे नहीं बहू, इसकी तो आदत ही है, ऐसे ही रहती है शुरू से। माँ जी लेकिन हमारे पास तो सब है ना, सुरभि को कोई कमी नहीं है, तो ये ऐसे क्यों रहती है? वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है इन्हें कपड़े देने में, तो आप मेरे से ले सकती हैं। अरे तुम इन सब में मत पड़ो, तुम थक गई होगी ना, चलो अब थोड़ा आराम कर लो, फिर मेहमान आने लगेंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ बहू अमन ठीक बोल रहा है, तुम जाकर आराम कर लो, जब मेहमान आने लगेंगे तब मैं तुम्हें खुद ही नीचे बुला लूंगी। ठीक है माँ जी, अगर कोई काम या मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। गीतिका वहाँ से अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। गीतिका को सुरभि का ऐसे आना अजीब लगता है, लेकिन वो अभी नई नई घर में आई होती है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम के फंक्शन में भी सभी लोग तैयार होकर आए होते हैं, वहाँ भी सुरभि ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती है और फंक्शन में आए लोगों से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब फंक्शन खत्म होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तो गीतिका सुरभि से बोलती है, सुरभि तुम्हें अपना ख्याल नहीं आया तो कम से कम हमारी इज्जत की ही तो सोच लेती, क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की, तुमको देख के तो ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम इस घर की बेटी हो। आप नहीं आई हो, आपको कुछ नहीं पता है, मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे अच्छे से सब पता है। हाँ सच में कुछ ज्यादा अच्छे से ही पता है तुम्हें, तभी तुम्हें ऐसे ही आई हो, तुम्हें देखकर कोई भी ये बोल नहीं सकता कि तुम इस घर की बेटी हो। इस घर की बेटी नहीं लग रही हूँ तो क्या लग रही हूँ मैं, इस घर की नौकरानी ही लग रही हो, जिसको बस हमारी बेइज्जती ही करवानी आती है। अब तुम्हें ऐसे देखकर लोग तो यही बोलेंगे ना। तो आपको क्या है, आप तो इस घर की बहुरानी हो ना, तो खुद पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी भी हूँ वैसी ठीक हूँ। हाँ तभी बोल रही हूँ, थोड़ा ठीक ठाक बनकर रहा करो। सुरभि गीतिका की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। सुरभि इसी तरह रहा करती है और सुरभि को देखकर गीतिका को गुस्सा आता है, लेकिन सुरभि गीतिका की एक बात तक नहीं मानती है। कुछ दिनों बाद सरोज गीतिका और सुरभि को बुलाकर कहती है, अरे तुम दोनों जाओ, जाकर कपड़े ले लो अपने लिए, और फिर हमें जाना भी है। कहाँ जाना है माँ जी? अरे मैं बताना भूल गई, दूर के रिश्तेदार की शादी है तो वहीं जाना है हमें, कपड़े ले लो दोनों जाकर अच्छे से, ठीक है? माँ क्या कपड़े लेना, मेरे पास तो वैसे भी इतने कपड़े पड़े हैं, उनमें से ही कुछ पहन लूंगी, क्या जाकर पैसे की बर्बादी करना। अरे मेरी गरीब नंद, आपके जो कपड़े हैं ना, वो भी गरीबों ने अब लेना बंद कर दिया है, और आप वो शादी में पहन कर जाना चाहती हो। हाँ लेकिन आपके पास तो है ना बहुत अच्छे कपड़े, तो आप वही पहन लो, आप बन जाओ अमीर, मुझे गरीब ही रहने दो। अब भगवान ने हमें किसी चीज की कमी तो नहीं दी है, लेकिन आप तो फिर भी ऐसी घूमती हो जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, लोग भी हमें आपकी तरह ही गरीब सोचते होंगे, जबकि मेरा ससुराल तो इतना अमीर है। आपका ससुराल अमीर है तो क्या आप गरीब करके मानोगी? नहीं मैं अपनी गरीब नंद को अमीर करके ही मानूंगी। तुम दोनों क्या शुरू हो गई? यहाँ इतना लेट हो रहा है और तुम्हारा अलग ही चल रहा है। एक काम कर बहू, तू घर का काम कर ले और सुरभि तू जाकर सबके लिए कपड़े ले आ, दोनों काम एक साथ ही निपट जाएंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन निकलना कब है? आज शाम को ही निकलना है, तभी तो मैं बोल रही हूँ जल्दी करने को। ठीक है मैं जा रही हूँ। सुरभि सबके लिए कपड़े लेने चली जाती है और गीतिका घर का सारा काम करने लगती है, दोनों अपना अपना काम कर तो देती हैं। सुरभि जब सबके लिए शॉपिंग करके वापस आती है और सारे कपड़े गीतिका देखती है तो अपनी सास को बुलाकर बोलती है, माँ जी ये देखो मेरी गरीब नंद मेरे लिए ये अपने हिसाब से कपड़े लेकर आई है, मैं क्या ये पहन कर जाऊंगी शादी में? इतनी महंगाई हो रही है, आपके कपड़े ही मैं सबसे ज्यादा महंगे लाई हूँ, 1500 का बस आपके लिए है, और सबके लिए तो मैं 1000 से भी कम के लाई हूँ। क्या इतना सस्ता? माँ जी आपने एक काम दिया था और ये भी देख लो क्या कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी शादी में, अब सुरभि को ही ले जाओ आप। माँ
भाभी को आप बोलो ना कुछ। ससुराल भले ही अमीर मिला हो इन्हें, लेकिन इनकी ननद अमीर नहीं है। मैं तो अपने हिसाब से ही लाऊंगी जितनी हैसियत है मेरी, और वैसे भी मैं तो भैया से पैसे लेती नहीं हूँ, अपनी जॉब से अपना खर्चा खुद ही निकालती हूँ। बहू तो गुस्सा मत कर, एक काम कर अलमारी से पैसे ले ले और जो तुझे चाहिए वो लेकर आ जा। कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। पता नहीं मेरी नंद को किसकी तरह बनाकर भेजा गया है, मेरे ससुराल में तो किसी पर भी नहीं गई है ये, जब देखो गरीबों का ही राग अलापती रहती है। अब जाओ वरना दुकान बंद हो जाएंगी सारी। हाँ तो मैं दुकान से लेती भी नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मैं तो मॉल से लेती हूँ, वो भी ब्रांड वाले कपड़े। गीतिका पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, अपने लिए कपड़े लेने और काफी सारे पैसे खर्च करके शॉपिंग करती है, और सारे साथ में रिश्तेदार की शादी में जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। अगले दिन जब सब घर वापस आते हैं तो सुरभि अपने बॉयफ्रेंड विवेक से मिलने जाती है और विवेक सुरभि से बोलता है, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें शादी से पहले अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे मिल ही चुकी हूँ, तो जरूरत नहीं है तुम्हारा घर देखूँ। हाँ लेकिन एक बार देख लोगे तो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, अब चलो मेरे साथ। विवेक अपने साथ सुरभि को अपने घर लेकर जाता है जो बहुत छोटा सा होता है, जिसमें ना ही फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखकर सुरभि विवेक से बोलती है, ये किसके घर ले आए हो तुम मुझे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये मेरा ही घर है और मैं यहीं रहता हूँ, और तुम्हें भी शादी के बाद मेरे साथ यहीं रहना है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगी शादी के बाद? हाँ क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है तो भी बता दो। आज तक मुझे सब मिला है लेकिन मैंने किसी चीज की कदर नहीं की, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी। क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? नहीं मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ यहाँ, मुझसे गरीबी में नहीं रह जाएगा। मैं गरीबी की तरह एक्टिंग कर सकती हूँ लेकिन रहना अलग बात होती है, मैं जा रही हूँ। सुरभि को विवेक का घर देखकर अपनी सारी बातें याद आती हैं और वो जल्दी से अपने घर जाती है और वहाँ गीतिका से बोलती है, भाभी मुझे आपकी बात समझ आ गई है, हमारे पास सब था लेकिन मैं हमेशा चार लोगों के आगे गरीबों की तरह आ जाती थी, अगर सच में कुछ नहीं होता तो मैं इन सब चीजों के लिए तरसती रहती। यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहती थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अमीर है तो पैसों की बर्बादी करे, लेकिन उतना तो खर्च कर ही सकते हैं जितना तुम्हारे हाथों में हो, लेकिन तुम तो गरीबों का मजाक उड़ाकर उनसे भी ज्यादा गरीब बनकर रहती हो। हाँ आप सही बोल रही हो, आज जब मैं विवेक के घर गई तो मुझे पता चला कि असल में गरीबी क्या होती है। मुझे वहाँ एक घंटा भी रुकाने गया और मैं यहाँ गरीब गरीब करती रहती थी। ये विवेक कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन उसकी गरीबी देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे शादी करने की। ये गलत किया तूने, तू गरीबों को लेकर परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी तूने जिस लड़के को पसंद किया होगा वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। गीतिका सुरभि को समझाती है और सुरभि को भी अक्ल आती है और उसके बाद वो कभी भी सब होने के बाद भी गरीब की तरह नहीं।